दोस्तों पिक्सल का जो फोन है ना वो 70,000 रुपए का है और वहां पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 और उसके साथ मिलता है एक अमेजिंग कैमरा। लेकिन अगर मैं कहूं कि वही सफेदी वही झाग अगर आपको कम दामों में मिले, जी हाँ दोस्तों पोको F1 जो कि आपको स्नैपड्रैगन 845 देता है, और अब तो जब से गूगल पिक्सल 3 का कैमरा पोर्ट हुआ तो आप अमेजिंग फोटोज उससे ले सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा राइट कि मतलब डिफरेंस हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिकॉज सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन उन फोटोज की जो हमने दोनों ही पोको F1 से लिए, लेकिन एक स्टॉक कैमरे से और एक गूगल कैमरे से, और फिर दोस्तों हम बताएंगे कि कैसे वो जो चीज है आप अपने पोको F1 में लेके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग फोटो एक्सपीरियंस का। दोस्तों है ना एकदम फार डिफरेंस, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि दोनों ही जो फोटोज हैं वो एक ही कैमरे से ली गई हैं। वैसे अगर आपको ऐसे ही फोटोज अपने पोको F1 में चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे सबसे पहले तो देखो जो लाल सब्सक्राइब का बटन है ना उस पर क्लिक कर देना। अब उसके बाद आपको जो घंटे का आइकन है उस पर भी टैप करना है, एंड देन फाइनली आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप एक APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल कैमरा और पिक्सल कैमरा जैसे हम लोग सब जानते हैं, तो उसे आपको डायरेक्टली कर लेना है इंस्टॉल। कोई रूट का लोचा नहीं है, कुछ भी परमिशंस मतलब फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली आप एक APK फाइल की तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप उस दोस्तों ऐप को लॉन्च कर लेंगे ना तो एक और चीज़ है, मतलब सेटिंग्स में जाना जो कि एकदम मोर के अंदर एक ऑप्शन होगा, और फिर वहाँ जा करके HDR एनहांस प्लस का जो दोस्तों ऑप्शन होता है एडवांस के अंदर, उसे अगर आप इनेबल कर लेंगे तो HDR फोटोज पोर्ट्रेट में भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की आएंगी। और अब बस मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार 21,000 रुपये में ना एकदम गूगल कैमरा मुझे मिल गया है और ये एक फ़ायदे का सौदा लगा, राइट? आपको कैसा लगेगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप फोटोज खींचते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, ट्विटर पे दोस्तों आप हमें टैग कर सकते हैं कि यार इस तरीके के फाड़ू फोटोज मुझे अपने पोको में देखने को मिल रहे हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।